क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 1 का हम ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें करना है, लेकिन इन नंबरों को इन्हीं बॉक्स में जो मैंने नंबर लिखे हैं उन्हीं से डिवाइड करना है, बाकी नंबर से डिवाइड नहीं करना है। तो 45 को लेते हैं पहले। 45 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ओड नंबर है। अब इसको 3 के लिए 4 और 5 को प्लस करो 9, 3 से डिवाइड करके देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 15 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 5 जा 15, 5 5 जा 5, तो 45 क्या आया 3 × 3 × 5। ओके, अब 75 है। 75 को भी स्टार्टिंग हमें 2 से ही करनी है, बाद में जाना है, बड़े से छोटा नहीं जाना है, छोटे से बड़ा जाना है। अब 2 तो जाएगा नहीं क्योंकि ओड नंबर है। 3 के लिए क्या करेंगे, 7 और 5 को प्लस करो 12, 12 3 के टेबल में आता है इसलिए ये भी 3 में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 25 डिजिट को प्लस करो 7, इसलिए 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 5 जा 25, तो कितना आया 75 = 3 × 5 × 5। अब इसका अगला पार्ट है 84, तो 84 के लिए भी हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 4 है, इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन लास्ट डिजिट इवन है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब लास्ट डिजिट ओड है इसीलिए 2 में नहीं जाएगा, तो इसको 3 के टेबल में आता है 21, 3 7 जा 21, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो हमारा 84 = क्या आया, 2 × 2 × 3 × 7। इसी तरह से 98 को करेंगे, 98 में भी हम लाइन खींचेंगे, इवन नंबर है तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 49 डायरेक्ट किसके टेबल में आता है, 7 की में, तो 7 7 जा 49, तो हमारा 98 क्या आया, 2 × 7 × 7। अब इसका ई पार्ट करेंगे, 112 इवन नंबर है, सबसे पहले किससे देंगे, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब दोबारा 2 से करेंगे, इवन नंबर है तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इवन नंबर है, दोबारा 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इवन नंबर है, दोबारा 2 से करो, 2 7 जा 14, और 7 यहाँ पर हमारे ऊपर लिखा हुआ है इसलिए 7 1 जा 7। ओके, तो 112 क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। 144 इवन नंबर है तो इसमें भी 144 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 डिजिट है, इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर है, 2 से दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन इवन नंबर है, 2 9 जा 18, एंड 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की, 3 3 जा 9। ओके, अब 144 = क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके, अब आते हैं इसके जी पार्ट पे। जी पार्ट पे क्या है, 168, ये इवन नंबर है तो लाइन खींचेंगे, 168 लिखेंगे पहले 2 की टेबल में, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 की टेबल में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 की टेबल में, इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 इवन नंबर नहीं है तो 2 की टेबल में नहीं आया, तो ये 2 के बाद किसका बारा नंबर आता है, 3, तो 3 7 जा 21, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो 168 = क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब इस तरह से 180 करेंगे, 180 में भी लाइन खींचेंगे, ऐसे लिखेंगे, लास्ट ईयर 0 इसलिए 2 की टेबल में जाएगा, 2 9 जा 80, 0 का 0, लास्ट ईयर 0 इसलिए 2 की टेबल में जाएगा, 2 4 जाए 8 बच्चा 1, 2 5 जाए 10। लास्ट डिजिट क्या है, ओड, इसलिए 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 की टेबल के लिए प्लस करो, 5 प्लस 4 9, इसलिए 3 की टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 180 = क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, अब इसी तरह इसका 216 का करेंगे, 216 में लास्ट डिजिट इवन है इसलिए 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ऊपर से आया 1 नहीं जाएगा, 0, 2 8 जा 16, कई लोग 18 लिखते हैं फिर उनका आंसर गलत हो जाता है, 1 0 8 आएगा। अब 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ओड आ गया तो किस में जाएगा, 3 में, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, तो कितना आया, 216 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब 300 को के लिए क्या करेंगे, फिर से करेंगे, 300 के लिए 2
2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, अगेन 2 6 2 7 14, 2 5 10 अबाउट नंबर बन गया। तो डी वाई 2 में नहीं जाएगा, 7 और 5 को प्लस करो कितना आएगा 12, तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 25 3 की टेबल में नहीं आता है, किसकी टेबल में आता है 5 की में, तो 5 5 जा 25, तो 300 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 2 × 2 × 3 × 5 × 5। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। इसका जो डिवीज़न मेथड है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा चाहे वो कितना भी लंबा जाए।